रिव्यूज की माने तो कॉलेज एडमिशन लेने से पहले कुछ और लेने के बाद कुछ और बर्ताव करता है? क्या कम प्लेसमेंट से परेशान है यहाँ के स्टूडेंट्स? क्या एडिशनल चार्जेस लूट रही है स्टूडेंट्स को? फर्स्ट ईयर में बताया जाने वाला फी स्ट्रक्चर थर्ड ईयर तक एग्जिस्ट ही नहीं करता है? कॉलेज के मैनेजमेंट का बुरा बर्ताव क्या कॉलेज की रेपुटेशन को गिरा रहा है? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हिमांशु मिश्रा कॉलेज 18 से, और आज हम बात करेंगे फेयरफील्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी की, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। कॉलेज के बारे में जानने से पहले हम एक बार कर लेते हैं कॉलेज का कैंपस टूर। सबसे पहले बात करेंगे कॉलेज की लोकेशन की, तो कॉलेज नियर बाय नाला रोड कापासेरा एक्सटेंशन न्यू दिल्ली में ही पड़ता है। जैसा कि कॉलेज न्यू दिल्ली में ही है तो कॉलेज आने जाने के लिए सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलती हैं। कॉलेज के आसपास में बस, ऑटो, मेट्रो जैसी सारी सुविधाएं अवेलेबल है, और कॉलेज अपना भी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है कॉलेज आने जाने के लिए। अब बात करते हैं कॉलेज की एफिलिएशन की, तो यह कॉलेज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और ए ग्रेड है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन से, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और यह यूजीसी से भी अप्रूव्ड है। अगर कोर्सेज पर गौर करें तो यहां काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि बीबीए, बीसीए, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे कोर्स यहाँ पे कराए जाते हैं। अब हम एक झलक कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर पर भी डाल लेते हैं। सारे कोर्सेज की फीस 60,000 से 80,000 के बीच है, तो तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख तक साल में खर्चा पड़ जाना चाहिए, लेकिन कहते हैं ना, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तो इस कॉलेज के अंदर काफी सारे मिसलेनियस और एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, तो कॉलेज की फीस 3 लाख से ऊपर ही जाके बैठती है, जैसा कि हमने कॉलेज के रिव्यूज में भी देखा। स्कॉलरशिप भी मिलती है कॉलेज में, लेकिन उसके लिए बच्चों की आईपी के एंट्रेंस की रैंक डिपेंड करेगी कि बच्चों की आईपी के एग्जाम में क्या रैंक आई है, उसी के बिहार पे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी डिटेल्स के लिए आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अगर यहाँ एडमिशन लेना है तो एक ही क्राइटेरिया है, आईपीयू का एंट्रेंस एग्जाम देना है। रैंक कितनी भी आए मैटर नहीं करता, उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आपको इस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। कॉलेज के इंफ्रा पे अगर नजर डालें तो ये कॉलेज बस 2 एकड़ में ही बना हुआ है, जिसमें तकरीबन 3,500 से 4,000 तक की बच्चों की स्ट्रेंथ है। क्लासरूम दिल्ली के नॉर्मल इंस्टीट्यूट जैसे हैं। दिल्ली से बाहर के बच्चों को ये नियर बाय रेसिडेंट ढूंढने में हेल्प करते हैं, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर कुछ बच्चों को फ्री ट्रांसपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। कॉलेज में मेडिकल और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी हैं। चलो अब एक नजर डालेंगे प्लेसमेंट रिकॉर्ड पर, तो यकीन मानो कोई प्रॉपर रिकॉर्ड ही नहीं है। कॉलेज के काउंसलर 100% बोलते हैं और वेबसाइट चेक करने पर कुछ और ही निकल के आता है। हाँ, 70% के आसपास का प्लेसमेंट हो जाता है। हाईएस्ट पैकेज 7 लाख रुपए का दिखाया गया है वेबसाइट पर, और लोएस्ट 2 लाख रुपए, जो कि कॉलेज के हिसाब से काफी कम है। अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो तो प्लेसमेंट भी अच्छी मिलेगी, वरना नॉर्मल स्टूडेंट के लिए यहाँ पे मामला गड़बड़ है, यानी आप लोगों के लिए प्लेसमेंट ओके ही है। अब नजर डालेंगे कि कॉलेज में फेस्ट होते हैं या नहीं। कॉलेज में काफी सारे फंक्शंस और एजुकेशनल एक्टिविटीज होती रहती हैं। सिंगर्स आते हैं या नहीं, ऐसा हमें कुछ भी कॉलेज की वेबसाइट पर देखने को नहीं मिला। तो ये था पूरा सच FIMT कॉलेज का। तो अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी और कॉलेज की रिव्यू वीडियो पे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कॉलेज 18 को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।